विले पार्ले पश्चिम के डी रोड पर स्थित भारत भवन में रहने वाले 12 परिवार अपने घर हेतु अब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एवं उप मुख्यमंत्री मनपा SRA विभाग के अधिकारियों से न्याय की गुहार लगा रहे हैं। बेघर इन परिवारों को कब मिलेगा न्याय, ऐसा सवाल अब खड़ा हो गया है। भारत भवन नामक इस पगड़ी बेस इमारत में 12 परिवार रहते थे। भारत भवन को जर्जर बताकर रीडेवलपमेंट हेतु तोड़ दिया गया, लेकिन अब लैंड ओनर उक्त जगह को किसी और कार्य हेतु इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसके कारण वहां रहने वाले 12 परिवारों को पिछले कई सालों से दर बदर भटकना पड़ रहा है। टोटल 12 टेनेंट्स हैं। तो अब आपको अगर बात करें पॉलिटिशियंस की या पुलिस प्रशासन की, अभी उनकी तरफ से कोई मदद या कोई हेल्प मिल पाई? कोई मदद नहीं हुआ, उल्टा इधर का जो पॉलिटिशियन था उसका, उन्होंने इसमें पैसा खा के ये C1 का कैटेगरी करने में हाथ था। तो अब क्या लगता है कि आपको लगता है यहाँ मिल जाएगा, या फिर किससे आपकी आशा जुड़ी है जिनसे आपको लगता है कि आपका? हमारा तो प्रशासन से ही रहेगा। अभी जैसा अभी अर्बन डेवलपमेंट में जो ये फाइल अभी जो कोर्ट का ऑर्डर से उसके पास रेगुलराइजेशन के लिए गया, तो अभी CM के हाथ में वो फाइल है, अभी लोग CM साइन नहीं कर रहा है उसका, ये टर्फ निकालो बिल्डिंग बनाओ करके। 60 इयर्स कंप्लीट कर चुके हैं, 1967 से यहाँ पे रह रहे हैं वो लोग, और अभी 60 इयर्स के हो गए और उनको अभी जॉब नहीं है, जॉबलेस है। मैं मेरे ट्यूशन करके मेरे बच्चों को पढ़ा रही हूँ, मुझे इतना तकलीफ हो रही है। और हम लोग हमारे घर से बेघर है 4 साल से। 2019 दो तारीख दिसंबर को 5:30 बजे मेरे घर छोड़ा है, आज तक मैं मेरे घर पे अभी तक मेरा घर नहीं बना है। 4 साल से बेघर है हम लोग, और 4 साल से हमारे जेब से हम लोग पैसा दे रहे। हम लोग बहुत ही खुशहाल सिटीजन थे यहाँ इंडिया के, लेकिन आज की तारीख में कोई भी आदमी अपना खुद का पर्सनल काम भी नहीं कर सकता। मेरे बेटे की शादी नहीं हो रही क्योंकि मेरे पास घर नहीं है। आज इतना हम लोग को तकलीफ हो रहा है, क्यों? बेवजह, मतलब हम लोग का कोई गुनाह भी नहीं, हम लोग ने कुछ किया भी नहीं है। आज हम लोग तो अपना अच्छी तरह से उसको कोऑपरेट करके चले गए, 4-4 साल से उन लोग को कोई बिल्डर भी नहीं मिल रहा है। मतलब व्हाट इज द रीजन, हम लोग को भी जानना है कि क्यों नहीं हो रहा है इसका रीडेवलपमेंट, क्या वजह है आज? हम लोग सब इधर भरत भुवन रेसिडेंट के टेनेंट है। ये यहाँ एक भरत भुवन करके 2 माले का बिल्डिंग था जो आज 2019-20 में टूट गया है। आज 2023 तक ये बिल्डिंग अभी तक रीडेवलपमेंट नहीं किया गया है, और हम लोग सब टेनेंट आज बिना फ्लैट के घर के बाहर है। C1 कैटेगरी में लाके उसको तोड़ा गया था बिल्डिंग को, पर अभी तक कोई रीडेवलपमेंट नहीं कर रही है, ना लैंडलॉर्ड कर रही है, ना कोई गवर्नमेंट एजेंसी कर रही है। तो हमारा सवाल ये है कि कब से आप लोग यहाँ रह रहे थे, और जो लैंडलॉर्ड है वो क्यों रीडेवलपमेंट नहीं करना चाहते, उसका वजह क्या है? हम लोग सब ऑलमोस्ट 1990 के पहले के टेनेंट है, कम से कम हम लोग सब 25-30 साल से इधर रहते थे। अभी जब ये डिमोलिश हो गया है तो यहाँ कोई रीडेवलपमेंट प्रपोजल भी नहीं है, ना लैंडलॉर्ड कुछ कर रही है। उल्टा का लैंडलॉर्ड ने यहाँ पे टर्फ बनाया है, और टर्फ का भाड़े का इनकम वो ले रही है, और सब टेनेंट लोग अपने खुद के पैसे से घर के बाहर है, और वो भाड़े का इनकम ले रही है, ना कोई किसी को रिलोकेट करके दे रही है। आप तो किन किन विभागीय लोगों के पास गए, क्या क्या पेपर वर्क किया उसके बारे? हम लोग BMC में गए हैं, हम लोग अर्बन डेवलपमेंट में भी गए, हमने हाईकोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया है, हम हर जगह जो भी गवर्नमेंट एजेंसी पे जा सकते थे हम गए, मगर कोई नतीजा नहीं आ रहा है। हर जगह पे फाइल हमारा कोई ना कोई रीजन से अटका हुआ है। अटकाने का वजह क्या है? जो लैंडलॉर्ड है वो पहुंची हुई माया है, वो कहीं जाकर के आप लोगों को चीजों को C1 कैटेगरी में जब ये बिल्डिंग लाया गया तब भी, मतलब वो उसकी पहुंच के वजह से ही आया है, ऐसा कोई बिल्डिंग मतलब वीक नहीं था, मगर फिर भी वो C1 कैटेगरी में आया है। तो हमने फिर भी कोऑपरेट किया, हमने फ्लैट वेकेट भी करके दिया, मगर फिर भी आज ये रीडेवलपमेंट का कोई नामो निशान नहीं है। क्या मांग करते हैं आप? हम लोग यही मांग करते कि हमारा फ्लैट का जितना जगह था उतना हमें जगह दे दीजिए, या तो हमें जो भी है पार्ला का जो भी रेट है इसके हिसाब से हमको कंपेंसेशन, ताकि हम दूसरी जगह पे एक नया फ्लैट लेके हम लोग हमारे खुद के फ्लैट पे चले जा सके। हम 200 बिल्डिंग रीडेवलपमेंट हो रहे हैं, अगर पूरे पार्ला में 200 बिल्डिंग रीडेवलपमेंट हो सकता है तो ये क्यों नहीं हो सकता है? ये भी हो सकता है, ये भी मेन लोकेशन है, सब कुछ हो सकता है। आज प्राइम लोकेशन में हम लोग रहने वाले, आज मैं कांदीवली चली गई, मेरे को वीक में 4 बार इधर आना पड़ता है क्योंकि मेरा सब काम इधर है। आज कभी हम लोग ट्रैवल नहीं करते थे ट्रेन में, आज हम हर दिन ट्रैवल कर रहे हैं। आज हम लोग की पोजीशन क्या थी और आज हम लोग कौन सी पोजीशन में आ गए हैं? और मैं ये भी बताऊं आपको कि 2019 से लेके 2023 तक टोटल 4 टेनेंट एक्सपायर्ड हो चुके हैं ये घर के आशा में वो बेचारे एक्सपायर्ड हो गए, भाड़े के घर पे रहते थे और वहाँ एक्सपायर्ड हो गए, उनको वापिस नसीब नहीं हुआ वापिस यहाँ आने का।
वो अपने मेडिकल बिल नहीं पे कर पाए और उनको भाड़ा भरना पड़ा और उसके वजह से उनका प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं हुआ और वो एक्सपायर हो गए। आज भी मेरी बहू के साथ मेरी अनबनी है, दो बहू है मेरी, तो अभी ऐसी पोजीशन है कि मेरे को वृद्धाश्रम में जाना पड़ेगा। अभी मेरे लिए कौन सा उपाय है देखो, ना हम रोजी रोटी कमा सकते हैं, ना हमारे पास आमदनी है, नहीं तो हम भाड़े के घर में क्यों रहते। और ये मालकिन कुछ सोचती नहीं है, वो अपना खुद का ही सोचती रहती है।